नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर के धामपुर से है, जहां भयंकर गर्मी का मौसम शुरू होते ही बिजली आपूर्ति चरमराने से शेरकोट के नागरिकों में आक्रोश व्याप्त है। आज धामपुर तहसील परिसर पहुंचकर शेरकोट के लोगों ने बिजली की समस्या को लेकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार पवन शर्मा को सौंपा। ज्ञापन में शीघ्र बिजली आपूर्ति में सुधार करने की मांग की गयी है। आपको बता दें, शेरकोट के पूर्व चेयरमैन एवं सपा के जिला सचिव शेख कमरुल इस्लाम के नेतृत्व में बड़ी संख्या में एकत्रित शेरकोट के लोग धामपुर तहसील परिसर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी मांगों से संबंधित राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार पवन शर्मा को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि कस्बा शेरकोट 1 लाख से ज्यादा आबादी वाला कस्बा है। इस समय भीषण गर्मी का समय चलने के साथ साथ बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ने लगा है, लेकिन इसके बावजूद विद्युत आपूर्ति पूरी तरह चरमराए जाने से बूढ़े बच्चे और नौजवानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर में उद्योग धंधे भी चौपट होने की कगार पर है। नगर में विद्युत आपूर्ति ठप होने से पानी की भी काफी किल्लत हो रही है। महिलाओं बच्चों को दूर दूर से पानी भरकर लाना पड़ रहा है। उन्होंने ज्ञापन में भीषण गर्मी को देखते हुए विद्युत आपूर्ति में शीघ्र सुधार कराए जाने के साथ साथ नगर पालिका को जनरेटर द्वारा शहर में पानी की आपूर्ति दिलाने का आदेश देने की भी मांग उठाई है। ज्ञापन देने वालों में सभासद बरकतुल्ला, पूर्व सभासद मोहम्मद शारून, शेख मोहम्मद इस्माइल, मुकीम अहमद, बबन राइन, शेख नईम अहमद, मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद शाहिद आदि सहित अनेक नागरिक मौजूद रहे। पूर्व चेयरमैन शेख कमरुल इस्लाम ने बताया, आज का ज्ञापन हमने शेरकोट में बिजली पूरी तरह से चरमरा गई है। दो ढाई घंटे सारे बिजली मिल रही है। हमारी डिमांड है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की कि शेरकोट में जल्द से जल्द बिजली व्यवस्था बहाल की जाए और वहाँ के आवाम को पानी की और तमाम तरह की जो बीमार लोग परेशान हैं उन लोगों की समस्याओं से निजात दिलाया जाए, और जो कारोबार लोगों के एक हफ्ते से बिल्कुल चौपट हो गए हैं उनके कारोबार भी बहाल होने चाहिए। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।